हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ में ही आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के भी। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किमी यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, कितनी है आपको बताना है। तो आप ध्यान दें कि जो दिया गया है क्वेश्चन में, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, नहीं अधिक कर दी जाए, तो यह 300 किमी यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। जब गति बढ़ा दी जाएगी तो फिर समय कम लगेगा, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके लिए जो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमें जो है चाल निकालना है तो, और हमें अगर समय निकालना है तो जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यह फॉर्मूला अगर है तो यहां जो है आपको बस की चाल नहीं दी गई है और इसकी सामान्य चाल आप जो भी रही हो अब वो आपको पता नहीं है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा दी जाती है, अधिक कर दी जाती है, तब समय 2 घंटा कम लगता है। लेकिन दूरी जो है दोनों बार में, सामान्य चाल से भी तय करने में दूरी 300 किलोमीटर है और जब आपने चाल बढ़ा दी तो भी वही दूरी तय करनी है 300 किलोमीटर। मींस दूरी दोनों के लिए सेम है या कॉमन है। अब ऐसी दशा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन के भी थ्रू आप आंकड़े लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो रहा है सॉल्व करने में तो आप ऑप्शन से भी आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपको दिया गया है 25, 30, 45 और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को अभी जो है छोड़ दें, हम 25, 30 और 45 से आंकड़ा लगाएं। अगर हम सामान्य चाल, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है कितनी है जो हमें नहीं दी गई है। हम मान लेते हैं कि अगर 45 हम मान लेते हैं पहले, तो 45 अगर दी गई है तो 45 से आप 30 को जरा भाग दें तो 45 से जो दूरी है, दूरी कितनी है 300, और चाल देखिए हमें समय निकालने के लिए, अगर देखिए समय 2 घंटा कम लग रहा है तो देखिए समय के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समय यहां और चाल यहां, तो ऐसी दशा में हो जाएगा फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए इसी फॉर्मूले का उपयोग करके आप समय, अब देखिए आपका दूरी कितनी है 300 किलोमीटर दूरी है और समय आप सामान्य चाल जो है मान ले, समय निकालने के लिए आप सामान्य चाल इन तीनों ऑप्शनों में से किसी एक को पहले रख कर देखें। आप देखिए, देखिए हम 45 को अगर रखते हैं तो 45 से 300 को भाग दीजिए और देख रहे हैं कि हमने अगर 45 रख दिया सामान्य चाल तो 15 तिया 45 और 15 दूना 30 20 हो जाएगा। 3 से 20 को हम भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं जाएगा, या आप चलो भाग दे ही लो, 3 छक 18 दो बचेगा दशमलव, 20 हो गया फिर से 3 छक 18, इसी प्रकार से 6.6 ऐसे ही समय आएगा, 6 इतना घंटे। चलिए अब आप जरा फिर देखिए इसी, अब आप देखें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दी जाए तो 50 हो जाएगी चाल, और 50 से अगर भाग दें इसको तो 0 से 0 कट गया, 5 छक 30, 6 घंटे लगेगा। तो आप देखें कि 6 घंटे लग रहा है अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 6 घंटे और 6.6 घंटे में अंतर 2 घंटे का नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 45 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 30 वाले को देख लें, अब 30 अगर मान लेते हैं तो 30 से 300 को भाग देखें तो 10 बार जाएगा,
पांच बढ़ा दें, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दी जाती है तो 30×5 = 35 होता है, और 35 से भाग देंगे तो पूरी तरह से ये नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, तो फिर 2 घंटे का अंतर नहीं हो पाएगा। दशमलव में आएगा 2 घंटा अंतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो 10 घंटे क्लियर हो गया, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। अब आप 25 को जरा रखें और 25 से भाग दें 300 को, और देखिए बड़े आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। 25 दूना, देखिए 25 से 25 एकम 25, 5 बचेगा 50, 25 दूना 50, 12 बार जो है भाग गया तो 12 घंटे समय लग रहा है। कितना? 12 घंटे। अब जरा ध्यान से, 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जाए मतलब 25 + 5 = 30 हो जाएगा, तो 30 से 300 को जब हम भाग देंगे तो फिर 10 बार भाग जाएगा, 10 घंटे आ गया। तो दोनों में अंतर कितना हो रहा है? ये 12 घंटे समय पहले लग रहा था, बढ़ाने पर 10 घंटे मीन्स 2 घंटे कम समय लग रहा है। 10 घंटे लग रहा है, 2 घंटे कम समय हो गया ना। तो आपको देखो ऑप्शन से ही क्लियर हो गया कि यही ऑप्शन मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। ये आप पहली ही बार रखते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन हमने नीचे से इसलिए शुरू किया कि आपको ये समझ में आए कि अन्य सभी से नहीं आ रहा है, ये क्लियर हो जाए। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 9^(2x-1) = 2^5-5 हो तो x का मान है क्या है आपको बताना है। ये बहुत आसान सा सवाल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान दें कि अभी जो इधर है इसको रहने दें और इधर वाले को सॉल्व कर लें। 2^5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा करके लिखें, तो 2 को अगर 5 बार लिखेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 हो जाएगा जब गुणा कर लेंगे। तो 32 × 5, 32 में से अगर 5 हम घटा देते हैं तो कितना आएगा? 27 आएगा। और यहां क्या, अब देखिए ये 27 का मतलब क्या हो गया, 27 का मतलब है 3 × 9 = 27 मीन्स 3^3। आप 27 के फैक्टर कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, 3 से आप करेंगे 3 × 9 = 27, फिर 3 से करेंगे 3^9, फिर 3 से करेंगे 3 × 3, तो 3 जो है 3 बार आया, और 3 3 बार आने का मतलब है 3^3, तो इसका ये मतलब आ गया। इसका मतलब दूसरी ओर भी अब हम 3^3 में बना लें, यही आपको करना है। यहां 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3^2, और जो ऊपर था उसको ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं। अब क्या करें, अब ये 2 से गुणा हो जाएगा बाहर, जब 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3^2 × 4 एक्स ऋण 3 से इसमें भी गुणा होगा, किसमें? 1 में भी, तो सॉरी 2 से 2 × 4 × और 2 × 1 = 2 = 3^3। अब क्या करेंगे, दोनों और घातों की तुलना करेंगे। ये तो ओरल ही मुझेवानी हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए दिक्कत है, इसलिए समझ लें। दोनों और घातों की तुलना करेंगे जब बेस सेम रहता है, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो 4x - 2 = यहां क्या आएगा? 3 है। अब 4x = ये 3, ये ऋण 2 उस पार जाएगा पक्षांतर होकर, तो −2 हो जाएगा और आ जाएगा 5। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो जो गुणा में 4 है ये नीचे भाग में चला जाएगा, इस प्रकार आंसर आ जाएगा 5/4। तो आप अपने ऑप्शन को चूज करें, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा 5/4। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये और बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 cm³ हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई है क्या है वो आपको बताना है। अब आप ध्यान दें, मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि जब भी कुछ भी आपको अगर अनुपात में दिखाई देता है तो आप एक्चुअल में इसको मानने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया करें सब में। तो एक्चुअल में क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7x, 10x और 14x, ये हो जाएगा तीनों फलकों का क्या क्षेत्रफल।
तो अब पार्श्व फलक जो पार्श्व पृष्ठ जो फलकों का निकाला गया है, ये पार्श्व पृष्ठ के जो क्षेत्रफल ये निकाले गए हैं, इन्हीं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चलिए हम जरा सा एक फिगर बना के आपको समझा देते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि कैसे ये हुआ होगा। आप ऐसे समझ लें कि घनाभ जो है मान लीजिए इस आकार का ऐसे होगा, ऐसे, और इस प्रकार से ये इसके जो है फलक हैं, ये देखिए संलग्न फलक है, संलग्न मीन्स जुड़े हुए। तो यहां पर जो है हम ध्यान दें कि हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल इस पार्ट का दिया गया है, इस पार्ट का और इस पार्ट का और इस पार्ट का। तो आप ये ध्यान दें कि ये जो दिए गए हैं आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा घनाभ के आकार में, तो ये जो पृष्ठ है ये किस आकार में है, रेक्टेंगल में है ना, आयत में, तो आयत में है तो इसका क्षेत्रफल तो आपको दिया है, तो 7x इसका क्षेत्रफल हो गया। और दूसरे का क्षेत्रफल क्या दिया है, 10x। तीसरे का क्षेत्रफल आपने माना है 14x। अब आप ध्यान दें कि जो आपको इसके अतिरिक्त दिया गया है वो देखिए जरा क्या दिया गया है, घनाभ का आयतन दिया गया है। तो घनाभ के आयतन का मतलब क्या होता है, घनाभ के आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 350 सेमी क्यूब आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें कहां समझेंगे, तो ये जो है नीचे वाली ये क्या है, लंबाई है, आप इसको लंबाई मान लें, तो ये एल हो गया और ये हो गया चौड़ाई मीन्स बी हो गया, और ये क्या है, ये हो गई इसकी मोटाई या ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं एच। समझ गए। अब ऐसी दशा में हमें जो है ये ध्यान देना है कि क्षेत्रफल दिए गए हैं वो हमने देख लिया, अब ये जो क्षेत्रफल के जो अनुपात दिए गए थे जो हमने क्षेत्रफल माने हैं इनको जरा हम देख लें लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ये कैसे क्षेत्रफल, ये आयत है और ये 7x कैसे आया होगा, लंबाई गुणा यहां पर h है मतलब l इंटू एच, इसकी लंबाई जो है l है और चौड़ाई क्या है h है, ऐसी दशा में l इंटू एच इज इक्वल टू 7x होगा। अब अगर इसका एरिया ले दूसरे वाले फलक का तो यहां h इंटू बी है, यहां जो है लंबाई के रूप में b है और चौड़ाई के रूप में h है, तो क्या है b इंटू एच यहां है इक्वल टू 10x। अब ऊपर के अगर पृष्ठ की बात करें तो ऊपर जो है ये हो गया क्या b और ये हो गया l, मीन्स l इंटू बी या b इंटू एल इज इक्वल टू कितना 14x। चलिए अब अगर हम देखें इन सब का अगर गुणा कर दें तो गुणा करके हमें मिलेगा l गुणा l मीन्स l स्क्वायर, b गुणा b मीन्स b स्क्वायर और h गुणा h मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू, इन सब का भी गुणा करेंगे तो 7 × 70 और 70 × 14 में गुणा करेंगे 14 × 7 = 98 और 0। एक्स 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 3 बार है तो गुणा एक्स की घात 3 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है क्योंकि हम आपको अच्छे से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये एल बी और एच का तीनों पर जो स्क्वायर है हम इसको चाहें तो इसको इस प्रकार से एक बार में लिख सकते हैं इक्वल टू 980x³। हमें एल बी एच की वैल्यू मालूम है कितना है, जो आयतन है एल बी एच इक्वल टू 350 सेमी क्यूब, हम इसकी जगह पर 350 का स्क्वायर ऐसे कर लिया तो 980x³।
आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। जरा और इसको सॉल्व करें आप तो देखेंगे ये 350 गुणा 350 बटा 980 हो जाएगा, बराबर यहां बचेगा x क्यूब, ये 980 गुणा में था भाग में चला जाएगा। अब आप जरा देखें जीरो से ये जीरो कट गया क्योंकि गुणा है बीच में, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सात से भाग दें, सात पर ये 35 और सात से इसको भाग दें तो हो जाएगा 7 × 7 और 2 बचेगा 28, 7 × 7 = 28। फिर आप देखें इसको आप फिर से भाग दें 7 से तो 7 × 14 और 7 × 5 = 35 तो 2 से इसको भाग देंगे 25 बार जाएगा। तो हम देख रहे हैं नीचे लगभग सब कट गया, ऊपर क्या आया 25 × 5। 25 × 5 इसका मतलब 25 का भी अगर खंड करें तो 5 × 5 ये हो जाएगा, ये 5 तो 5 कितनी बार हो गया, 25 को अगर हम देखो 5 × 5 लिख दें और एक 5 और है अभी बराबर एक्स की घात 3, इसका मतलब 5 कितनी बार हो गया, 5 हो गया 3 बार, तो 5 × 3 बराबर एक्स की घात 3। अब देखिए जब घात दोनों में सेम है तो बेस की तुलना करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x इज इक्वल टू आ गया 5। जब हम x की वैल्यू रख देते हैं इसमें तो देखेंगे ये हो जाएगा 7 × 5 मतलब 35 और यहां जब रखेंगे तो 10 × 5 इसका मतलब 50, यहां रखेंगे तो 14 × 5 तो 14 × 5 = 70, ये आ गए इनके क्षेत्रफल। अब हम देखें जो हमें दिया गया है आयतन उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लें, मतलब हमें L गुणा B गुणा H बराबर दिया गया है 350। अब हम इससे देखें तो L गुणा H है, ये क्या है L गुणा H, L गुणा H का मतलब इतना गुणा इतना, इन दोनों के गैप पर हम क्या रख दें 35 रख दें इंटू B बराबर 350। देखिए 35 × 35 और 35 × 10 = 350, x b की वैल्यू आ गई 10, तो ये हो गई भुजा b, मींस ये आपने जो माना ये 10 हो गए, b की वैल्यू 10 आ गई। आगे देखें इसी प्रकार से हम b और h की वैल्यू अगर रखें इसी l b h में, मतलब पुनः l b h में रखें 350 है इसके बराबर और b h की वैल्यू रखें 50, तो b into h means ये, इनकी वैल्यू अगर हमने 50 रख दी तो l गुणा 50 बराबर 350, 0 से 0 काट देंगे 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, तो l की भी वैल्यू आ गई 7। अब ध्यान ये देना है कि हम इसी प्रकार से तीसरे को भी सॉल्व कर लें। तीसरे हमें क्या दिया गया है b और l, b into l तो l b h बराबर एल बी एच इज इक्वल टू 350 हमें ज्ञात है, तो हम जो है क्या रखेंगे L और B, L इंटू B की वैल्यू रख देंगे कितना 70, तो 70 × 350 और 0 से ये कर देंगे और 7 × 7 = 7, 5 × 35 तो वैल्यू आ गई 5। हमें इसमें सबसे लंबी भुजा की लंबाई बतानी है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, तो आपने देखा कि जो हमारा जो आंसर जो निकल रहा है अभी जो तीनों ये भुजाएं जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमने मानी है, यहां देख रहे हैं b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू है 10 और l की वैल्यू है और h की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो सबसे बड़ा कौन है 10 है, तो सबसे लंबी भुजा कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, मीन्स सी का राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सही है। थोड़ा सा सॉल्व करने में लंबा हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन आपको समझना है, आप समझ लेंगे तो इतना ढेर सारा करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे, देखिए 3 की 3 वो भी क्रमागत गुणज, तो 3 का पहला जो होगा गुणज वो होगा, चलिए हम क्या करें 3 के जो 3 गुणज होंगे वो 3x और 3x + 3, ये क्रमागत
गुणज होंगे और 3x प्लस 6 3 और जोड़ देंगे, भाई 3x था तो 3 हमने जोड़ा तो ये संख्या विभाज्य हो जाएगी, क्रमागत है ना, 3 की क्रमागत, तो 3 ऐड करेंगे तभी आएगा। और फिर इसके बाद आने वाली क्रम से फिर 3 ऐड करना पड़ेगा तो 3 3 6 हो जाएगा, 3x बन 6 हो जाएगा। अब देखिए इन संख्याओं का योग 99 है तो इनका योग कर लें, चलिए हम योग करते हैं। तो जरा ध्यान दें 3x 3x और 3x मतलब 9x हो जाएगा। अच्छा इनका योग कितना है 99, हमने 99 लिख दिया और 9x धन 6 नहीं 6 नहीं 3 ये भी है 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9x धन 9 बराबर 99, इन दोनों में से 9 हमने कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 1 इक्वल टू 99 और x प्लस 1 इक्वल टू 99 को चाहे हम 9 एक 9 और इसको भाग दे देते हैं 9 एक कम 9 9 कम 9 में 11 बार तो आ गई x प्लस 1 की वैल्यू कितनी, x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 11। जब x प्लस 1 की वैल्यू 11 आ गई तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू हो जाएगा 11, ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो ये संख्याएं क्या होंगी, आप x की वैल्यू रख दीजिए पहली वाली में तो 3 गुणा 10 बराबर 30 और दूसरी वाली में रखेंगे तो ये 30 तो हो ही गया धन 3 बराबर 33 हो जाएगा और तीसरी वाली में रखेंगे तो 30 और धन 3 6 बराबर 36 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि 30, 33 और 36 तो 33 और 36 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है सीमा एक घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। अब ध्यान दे कि वो 1 घंटे में कितना पढ़ती है 1/5 भाग, जब 1 घंटे में वो 1/5 भाग पढ़ती है तो 4 घंटे में 1 घंटा है और ज्यादा का अगर पूछे तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 1 घंटे में 1/5 भाग तो 2 सही 1/3 घंटे में 2 सही 1/3 से गुणा हो जाएगा तो कितना भाग वो पढ़ लेगी, इसके लिए 3 दूना 6 और 1 7 7/3 और 7 1 7/3 5 15 आ जाएगा 7/15 भाग वो पढ़ लेती है सोने से पहले। तो बचा कितना, कुल कितना है, कुल है 15, नीचे जो रहता है वही है टोटल पार्ट, तो 15 में से 7 तो 15 में से 7 अगर उसने पढ़ लिया तो 15 में से कितने बचे, अब 8 और बचे हैं 8/15 15 में से अब 8 बचे हैं। तो या फिर आप ऐसा करें कुल जो है पुस्तक 1 है और उसका जो है 7/15 पार्ट पढ़ लिया है तो 15 एकम 15 15 ऋण 7/15 15 में से 7 घटाएंगे तो 8/15 आ जाएगा। वैसे आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी बटे में रहता है तो बटे का मतलब जो नीचे है उतने में से ऊपर वाला, ये आप करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, जल्दी से आप जवाब दे पाएंगे। तो हो जाएगा 15 में से 7 हैं तो बचे कितने, 15 में से 8 बचे हुए हैं क्योंकि 8 7 15। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन इसका जरा देख लें, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 8/15 भाग अभी शेष बचा हुआ है पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है, वह क्या है संख्या आपको बताना है। तो आप ध्यान दें कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर, मतलब 269 में कुछ जोड़ना है तो अब अगर आपको वर्ग याद है तो बहुत आसान है। देखिए इसके करीब में आप वर्ग अगर देखें तो देखेंगे आप 15 का वर्ग करें तो 15 का वर्ग हो जाएगा 15 15 225 और आप अगर 16 का वर्ग करें
या 17 का वर्ग करें तो देखेंगे 17 का वर्ग, अगर 16 का वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 16 छक्का 96 का 6 और हासिल 9, 16 एकम 16 और 9 25, तो 256 आ गया। लेकिन अभी भी ये जो है मामला हल नहीं हो रहा है। अब आप ध्यान दें कि हम जो है क्या करें, हाँ देखते हैं, अब 17 का वर्ग कर लें तो 17 का वर्ग हो जाएगा 298 नहीं 17 का वर्ग तो 17 का वर्ग 289 होगा, ठीक है 17 का वर्ग करते हैं तो 289 होगा। लेकिन यहां जो संख्या दी गई है हमें वो क्या दी गई है, हमें दी गई है 269, तो 269 में हम क्या जोड़ें जिससे कि इसका वर्ग पूरी तरह से निकल पाए, तो जो इसके करीब हो। यहां पर बात क्या है क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से संख्या क्या जोड़ा जा सकता है वो आप ध्यान दें। अगर हम 269 में से घटा लेते हैं 256 को, तो देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 से 6 घटाएंगे 3, और 9 में से यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 13। क्या आपके ऑप्शन में 13 दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो फिर अब हम देखें जरा कि 269 को इसमें से घटाते हैं। चलिए, तो चूंकि यहां देखिए जोड़ने की ही बात की जा रही है ना कि घटाने की, तो इसमें कुछ जोड़ने का मतलब इससे संख्या बढ़ेगी, इससे बड़ी होगी, तो हमको पहले ही यह ध्यान देना चाहिए था कि इससे जब संख्या बढ़ेगी तो 269 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब 256 तो हो ही नहीं सकता और 225 भी नहीं हो सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कह रहा है कि इसमें जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो 269 में कुछ भी अगर एक भी आप जोड़ेंगे तो 270 होगा, मतलब बढ़ेगी संख्या, तो जब संख्या बढ़ रही है तो इससे छोटी संख्याएं तो नहीं हो सकती, तो ये दोनों तो नहीं होंगी। मैंने आपको इसलिए ये बताया कि अगर घटाने की बात की जाए तो हो सकता था, लेकिन ये संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में हमें यहां जो जोड़ने की बात की जा रही है, तो जोड़ने का मतलब इससे बड़ी संख्या होगी, और इससे बड़ी संख्या 289 है, और 289 में से अगर इसको हम घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, तो इस प्रकार से 20, 2 में से 2 गया 0, तो 20 जो है ये संख्या हमें प्राप्त होगी, जिसको जोड़ने पर सबसे छोटी संख्या यही है जिसे हम इसमें जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। वो संख्या हमारे ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन में 20 है, तो ये ऑप्शन राइट हो गया डी। जो मैंने आपको ये बताया अभी कि 269 में 256 घटाकर हम देख रहे हैं 13 ऑप्शन में नहीं है, फिलहाल ये तो नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ने की बात की जा रही है, और जोड़ने का मतलब है 269 में जो भी हम जोड़ेंगे संख्या इससे बड़ी होगी, 270 होगी, 272 होगी, 275 कुछ भी, मतलब दो उससे थोड़ा बड़ी ही होगी, तो इससे जो छोटी संख्या है वो तो हो ही नहीं सकती, तो इस प्रकार से ये दोनों तो नहीं हो सकते, कौन कौन से, ये और ये। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसे ही कि ये 17 का वर्ग 289 ही हमारा राइट चूज करना होगा, हमें राइट ऑप्शन यही है, तो इस ऑप्शन से हम क्या करें, कितना इसमें जोड़ना है, मतलब कितना दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लें, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, यही 20 जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर इसका एक दूसरा भी तरीका आप चाहें तो इसका सबसे ज्यादा दूसरा तरीका, आसान तरीका यह भी हो जाता है, हम इसको जो है क्या करें, हम 269 को, 269 में दिया गया था, हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालने में इधर से पेयर बना लेते हैं, ये अकेला बनता है, जोड़ा इसका नहीं है, तो एक एक कम एक कर दें और यहां पर बचा एक और ये आ गया 69 और ये ऐड हो जाता है एक, एक, एक हो जाएगा, दो से इसको भाग दें, 2 8 16 लेकिन 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 2 9 16 और 6 जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो 22 हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में सात बार अगर हम ले जाते हैं तो देखिए ये सात हो रहा है और सात सता उनचास का नौ हासिल चार, सात गुना चौदह चार अठारह, तो ये भी अभी बढ़ रहा है। अगर हम छह कर देते हैं तो छह छंग छत्तीस का छह हासिल तीन, छह गुना बारह और तीन पंद्रह हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, इसमें हमें बढ़ाना है। तो इसका मतलब हम क्या करें, सत्रह से सात सता उनचास का नौ, सात दूना चौदह और चार अठारह, इस प्रकार से नौ में से नौ घटेगा तो जीरो। और अब इसको हम उल्टा घटा दें, क्योंकि इतना होना चाहिए लेकिन है इतना, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो नौ में से नौ घटाएंगे जीरो और आठ में से छह घटाएंगे दो, तो बीस का अंतर हो रहा है, यही बीस की इसमें कमी है, हम बीस जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। देखिए बात यहां 2003 से 2005 की जा रही है, तो दो साल का अंतर आ रहा है। अब ध्यान दें कि 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो 2003 का प्रथम दिन अगर बुधवार था तो 2003 का अंतिम दिन क्या होगा, पहले ये हम समझ लें। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहले हमें वर्ष को, जो वर्ष दिया गया 2003 को, उसको हम देख लें कि लीप ईयर है कि नहीं, और इसके लिए क्या करेंगे, इसको चार से भाग देंगे, चार से अगर भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, चार पंजे बीस जीरो और भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो हमें क्या करना है, जो इसका ये दिन जो आ रहा है प्रथम दिन इस वर्ष का, इस वर्ष का अंतिम दिन भी यही होगा, मतलब 2003 का अंतिम दिन भी बुधवार होगा। समझ गए होंगे, इसका जो है अंतिम दिन भी बुधवार होगा। अब ऐसी दशा में ये तो क्लियर हो गया अंतिम दिन, जब अंतिम तो अगला दिन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2003 के बाद 2004 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें कि 2004 लीप ईयर है, दो से आप इस चार से इसको भाग देकर देख लें, चार पंजे बीस और चार एकम चार भाग जा रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया। लेकिन अब ध्यान ये देने की बात है कि 2004 का जो पहला दिन जो होगा प्रथम दिन, वो प्रथम क्या होगा, ये तो अंतिम दिन 2003 का बुधवार था, तो अगला दिन जो होगा वो बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार आप लिख सकते हैं, गुरुवार भी आप बृहस्पतिवार को कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब 2004 का अंतिम दिन क्या होगा, 2004 का जो अंतिम दिन होगा वो होना चाहिए, ये क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फिर क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे। तो अंतिम दिन जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार क्या हो गया, शुक्रवार होगा 2004 का अंतिम दिन। अब क्यों हुआ, क्योंकि ये लीप ईयर है इसलिए एक दिन बढ़ाना पड़ा, 365 के बजाय 366 दिन होंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे 2005 को देखते हैं, 2005 जब आएगा तो अगले दिन 2005 होगा, अगले दिन 2005 का मतलब है 2005 का जो प्रथम दिन होगा, पहला दिन 2005 का जो प्रथम दिन होगा, प्रथम दिन वो हो जाएगा शनिवार, एक दिन हो जाएगा ना अगला दिन। तो अब आप देखेंगे 2005 का जो प्रथम दिन शनिवार हुआ तो 2005 क्या लीप ईयर है, क्लियर, चार से भाग नहीं जाएगा, चार पंजे बीस जीरो चार एक कम चार, तो इसमें एक बच जाएगा नहीं भाग जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, शनिवार होगा। मीन्स 2005 का अंतिम दिन भी क्या होगा, शनिवार होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अंतिम दिन क्या होगा, शनिवार, मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीका है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं, आप मुंहजबानी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है, 14/33, 21/22, 42/55 का लासापा, सॉरी मासापा ज्ञात करना है।
मीन्स महत्तम समापवर्त है। भिन्न में जब आपको दिया गया हो संख्या और उसका आपको महत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो, तो इसका एक बिल्कुल आसान तरीका है, ये ऊपर वाले जो है ये अंश हैं। क्या है? अंश। अंश का क्या है? अंश का जो क्वेश्चन में कह रहा है वो है, मीन्स अंश का मास समापवर्त। और जो नीचे वाले हैं ये क्या है? हर। और हर का क्या? विपरीत, लासापा। ये कर लें, मतलब ये कि 14, 21 और 42 का मासापा निकाल लें। तो 14, 21 और 42 का मासापा जो होगा 7 × 14 = 21 और 7 × 6 = 42, तो 2, 3 और 6 आएगा और 7 जो है सब में कॉमन होगा, तो 7 इसका मासापा आ गया। अब आपको हर का लासापा ज्ञात करना है 33, 22 और 55 का, तो 11 × 33 11 × 2 = 22 और 11 × 5 = 55। तो देखिए 11 कॉमन सब में हो गया और इसके बाद 11 × 2 = 22 और 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55 का गुणा कर लें, 15, 15 × 30 और 30 इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 और 330, ये आ गया क्या? लासा आ गया। 7/330 हो गया मासा बटा लासा निकल आया, जो इसका मासा को हमें निकालना था भिन्नों का। तो 7/330 देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, लेकिन देखने में डर लगता है कि हो पाएगा कि नहीं अगर नहीं आता तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है ₹57.75 का पैसों में मूल्य। बहुत आसान है ये तो, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो आप क्या करेंगे, 57 रुपया है, 57 रुपये को पहले पैसे में बदल लें। 1 रुपया = 100 पैसा, तो 57 रुपया = 5700 पैसा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और मींस प्लस 75 पैसा और है, इसको भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5775 पैसे। यही आपका आंसर हो जाएगा, 5775, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो 138 का संपूरक, जैसे ही संपूरक आपके दिमाग में आए वैसे ही आप क्या करें, 180 से इसको घटा दें। जब आपने घटा दिया तो क्या हुआ, 38 × 2 = 40 और 40 = 80, मीन्स हो गया 42 अंश। ये हो गया क्या? संपूरक। संपूरक आ गया 42। अब संपूरक का कोटिपूरक, इसका क्या? कोटिपूरक। कोटिपूरक जैसे ही दिमाग में आए वैसे आप करें 90 से इसको माइनस करें, तो 90 से 42 को आप घटाएंगे, 90 से 42 को 10 में से 2 घटेगा तो फिर आएगा 8 और 8 में से 4 घटेगा तो 4, मीन्स 48 अंश क्या हो जाएगा, यहां 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 48 अंश आएगा। देख रहे हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो संबंधित है रीजनिंग से। अब मैथमेटिक्स को खत्म करके हम रीजनिंग की ओर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 11, सभी वैज्ञानिक परिश्रमी हैं। जब सभी की बात आ जाए तो फिर क्या करेंगे, सभी का मतलब है कि पूरा का पूरा डूब जाएगा, किसमें? परिश्रमी में। मतलब ये कि आप वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको बनाना चाहें तो परिश्रमी का आप बना लें एक गोला और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सभी वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक जो है वो सभी इसी के अंदर आ गए, सभी वैज्ञानिक परिश्रमी हैं, तो ये क्या हो गए, वैज्ञानिक। सभी मींस पूरे इसके अंदर आ गए, किसके अंदर? परिश्रमी है तो परिश्रमी के अंदर आ गए। समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी परिश्रमी व्यक्ति निर्धन नहीं है। मतलब ये कि निर्धन का मामला है, क्योंकि परिश्रमी तो हमने देख लिया और निर्धन व्यक्ति हमने नहीं देखा, तो निर्धन जो है कोई मतलब नहीं रखता है इससे, किससे? यहां कह रहे कोई भी परिश्रमी व्यक्ति निर्धन नहीं है,
मतलब इस परिश्रमी का निर्धन से कोई संबंध नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग है ऐसे दशा में। चलिए अब आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा है। निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है। तो वैज्ञानिक की बात निर्धन से यहां अगर की जाए तो यहां जो है वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, पहला तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला है, कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है। देखिए दोनों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। अब देख रहे हैं इसमें कि पहले बार जो कहा जा रहा है कि कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, मीन्स वैज्ञानिक का संबंध निर्धन से नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि निर्धन अलग है, उससे वैज्ञानिक और परिश्रमी से कोई संबंध नहीं है। तो कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक परिश्रमी है लेकिन निर्धन नहीं है। तो चलिए ये तो हो गया कि ये सही हो गया पहला निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष आप देख लें, पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष है कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं, तो निर्धन का वैज्ञानिक से कोई संबंध है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है, नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर इसका सॉरी ये जो निष्कर्ष टू है ये भी जो है सही है। तो हम देख रहे हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अब चूज कर लें। पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऐसा नहीं है, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ये भी सही नहीं है, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, और डी में है निष्कर्ष एक या दो में से कोई भी नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन ये दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन अन्य सभी से भिन्न है, अन्य जो है सभी से एक इसमें से भिन्न होगा। अब देखिए कैसे सब में चार चार अक्षर दिए गए हैं, एक दो तीन चार, सब में चार चार दिए गए हैं। अब इन चारों का या तो युग्म से, एक युग्म में कुछ हो रहा हो, या फिर अगले क्रम में कुछ हो रहा हो, या बढ़कर आ रहा हो या घटकर आ रहा हो, यही सब आपको ध्यान देना है, या इनके जो स्थान के अंक हैं वो जुड़कर सब में बराबर हो रहे हैं, तो ये सब आप इसमें आंकड़े लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्रम को देख लें जरा, एक्स के बाद एक्स वाई जेड, एक्स के बाद जेड आ रहा है, इसका मतलब यहां प्लस टू हो रहा है, एक्स में दो जोड़े तो वाई और जेड दो हो गए। अब सी आ रहा है, तो सी जो है कब आएगा, जेड के बाद ए बी सी, मतलब प्लस थ्री अगर करें तो आ जाएगा सी। और अब सी में जी लाने के लिए, सी के बाद डी ई एफ जी, इसका मतलब चार जोड़ना पड़ेगा, डी ई एफ जी, तो चार जुड़कर ये आया। क्या यही प्रक्रिया दूसरे में भी है, ई एफ जी दो जुड़कर आया, और जी में तीन जोड़िए, जी के बाद एच आई जे, बिल्कुल सही है, और जे के बाद चार जोड़िए, तो जे के बाद के एल एम एन, तो ये भी सही है। लेकिन जरा अब सी को देखते हैं हम, जे के बाद एम, तो जे के एल एम, यहां तो भाई तीन का अंतर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, पहले ही डिस्टर्ब हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें सिस्टम वो नहीं लागू हो रहा है। इसको जरा देखिए, क्यू के बाद क्यू आर नहीं सॉरी ओ ओ है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मीन्स दो का ही डिफरेंस हो रहा है, क्यू के बाद क्यू आर एस टी, तीन का डिफरेंस, और टी के बाद चार का डिफरेंस होना चाहिए, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, तो बिल्कुल सही है ये चार का डिफरेंस, का मतलब ए बी और डी एक तरह के हैं, सी जो है ये अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था? कैलेंडर के क्वेश्चन है और कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में जरूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त, तो अगस्त तो बाद में आएगा, पहले जून आया, जून जुलाई अगस्त, चूंकि उसी साल की बात हो रही है, लेकिन देखिए उसको बाद में दिया गया है आपको भ्रमित करने के लिए। तो आप ध्यान दें कि जून पहले आएगा, फिर जुलाई आएगा, तब अगस्त आएगा, तो पहले जन्मदिन किसका आएगा? मीना का। मीना का जन्मदिन पहले आएगा, तो पहले जो है 25 जून को क्या है, 25 जून को यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो 25 जून को क्या है? बुधवार। तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था, मीन्स 15 अगस्त को कौन सा दिन है ये आपको ज्ञात करना है। 15 अगस्त को दिन कौन सा है ये आपको ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दें कि जून में देखिए कितने दिन बचे, जून में 25 जून तक की बात हो गई, तो 5 जून जो है वो 30 दिन का होता है, तो 5 दिन तो इसमें हो गए, प्लस जून के बाद जुलाई, जुलाई में कोई मतलब नहीं है, तो जुलाई पूरा का पूरा, जुलाई कितने का होगा? 31 दिन का, तो 31 दिन तो ये हो गया जुलाई वाला, जुलाई वाला 31 दिन, प्लस अगस्त, जून जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त में 15 अगस्त तक की ही बात की जा रही है, तो 15 दिन। ये आपको समझ में आ गया, इनको जरा ऐड कर कितना दिन हो जाएगा, देखिए 15 5 20 और 20 और 30 50, तो 51 दिन हो रहा है, टोटल कितने दिन हो गए? 51। 7 से इसको भाग दे दें तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 50 = 51, मतलब 2 दिन जो हैं एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन क्या हैं? विषम दिन हो गए, 2 इसके अतिरिक्त दिन हो गए। तो अब आप ध्यान दें कि ये जो 2 दिन इसमें जो विषम दिन हुए, इसके 2 दिन, अब वो 2 दिन देखिए कुल कितने विषम दिन हुए, 2 दिन, तो बुधवार के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? वही जो है 15 अगस्त को दिन होगा, तो बुधवार में 2 जोड़ दें, तो बुध के बाद बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और एक जोड़ेंगे तो बृहस्पति हो गया, एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, मतलब बुधवार प्लस 2, तो बुधवार के बाद बृहस्पति और शुक्र, तो ये शुक्रवार जो है आपका आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को क्या था? शुक्रवार, मींस ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 231 का अर्थ है राम काला है, देखिए राम काला है, चलिए इसको आप नोट कर लें ऐसे समझने के लिए, राम काला है, इसके लिए क्या है 231, उसके बाद 572 किसके लिए है? मोहन गोरा है, मोहन गोरा है, इसके लिए क्या है 572, 572। तीसरा क्या है? तीसरा है विवेक काला है, विवेक काला है, इसके लिए क्या दिया गया है 3, 8 और 2 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, 1 इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप ध्यान दें कि इसमें देखिए सब में जैसे राम काला है,
अगर हम देखें तो इसमें राम काला है और मोहन गोरा, इन दो में ये दो कॉमन मिल रही हैं, तो इसमें कुछ मिल रहा होगा। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ये दो कॉमन मिल रहा है, ध्यान दें। तीसरे में भी देखें जरा, तीसरे में भी वो है कॉमन, तीसरे में भी क्या है, ये बिल्कुल है। इसका मतलब दो जो है वो यूज हुआ है किसके लिए, है के लिए। दो किसके लिए यूज हुआ, है के लिए, तो है के लिए दो हो गया। चलिए है के लिए दो, आगे ध्यान दें। पहले दूसरे में कॉमन सिर्फ यही हुआ, लेकिन अब दूसरे और तीसरे में जरा देखें, दूसरे तीसरे में कॉमन वही हुआ। अब हम देखते हैं पहले और तीसरे को, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन हो रहा है, पहले और तीसरे में जो कॉमन हो रहा है वो दो तो हो गया, उससे तो क्लियर हो गया जो होना था। अब इसके बाद एक ये तीन कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, तीन। और तीन जरा देखिए, दो तो है के लिए हो गया इसमें, तो इन दोनों में अगर तीन कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कोई वर्ड भी कॉमन हो रहा होगा, वो क्या हो रहा है, काला। इसमें भी काला है, काला और काला के लिए कॉमन है, तो ये तीन है, इसमें तीन है कॉमन, तो काला के लिए क्या हो गया, तीन। समझ में आ गया। अब आप ध्यान दें कि सब में हमें जैसे दो मिल गया, तो राम के लिए क्या यूज हुआ है, इसमें एक यूज हुआ है, क्लियर हो गया ना। और इसमें अभी दो हैं तो छोड़ देते हैं उनको। अब ध्यान ये दें कि विवेक के लिए तीसरे में क्या मिल रहा है, के लिए हमें मिल रहा है तीसरे में आठ बचा हुआ है, तो विवेक का संबंध है आठ से। हमें क्या, किसका कोड ज्ञात करना है, हमें कोड ज्ञात करना है किसका, विवेक काला का, तो विवेक के लिए आठ और काला के लिए तीन, मतलब ये होना चाहिए आठ और तीन मीन्स तिरासी, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो मैंने इतना नोट किया इसकी भी जरूरत नहीं, वो तो आप वहीं पे देख लेंगे कि है कॉमन कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके लिए यूज हुआ है, इस तरह से आप चूज कर लेंगे। देखिए ये तरीका अगर आपके दिमाग में अब आ गया है कि इस तरह भी होता है, तो आप आसानी से अब समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 5*3 इक्वल टू 19, 8*5 इक्वल टू 49, 6*4 का क्या होना चाहिए, तो आप ध्यान दें कि 5*3 का मतलब है कि 5 और 3 के बीच कोई संबंध है जिससे 19 उत्पन्न हो रहा है। अब आप इसको ध्यान दे सकते हैं कई तरह से, 5 गुणा 3 करेंगे तो 15, 15 में 4 जोड़कर 19 हो रहा है, और 8 × 5 = 40, 40 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या 44 होना चाहिए, यहां तो 49 है, तो कितना जोड़ गया, 8 × 5 = 40 में 9 जोड़ रहा है, तो इसका मतलब यहां काम हमारा नहीं बन पा रहा है उस तरीके से। अब दूसरा तरीका अपना लें, कुछ और इसका मतलब हुआ है। अब और होने का मतलब 5 का वर्ग करें, 5 × 5 = 25, तो ये तो 19 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, वर्ग तो नहीं हुआ है। अब आप ध्यान दें, 5 × 3 हुआ होगा, 5 × 3 = 15, और 4 जो है आया है, वो 4 कैसे ला सकते हैं हम, वो 4 हम ला सकते हैं जैसे 5 में से 3 घटा दें तो 2 होगा, और उसका वर्ग हो जाएगा 4, तो 5 × 3 = 15 धन इसका 4 आएगा, 19 हो जाएगा अपने आप, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 15 और 4 = 19 हो जाएगा। समझ रहे हैं, अब आगे देखते हैं इसी तरह से, तो 8 × 5 = 40 गुणा करने पर क्या हो गया, 8 × 5
40 ऋण 8 5 जरा करके हम देख लें स्क्वायर करके, तो देखिए 8 में 5 हटाएंगे तो आएगा 3 और 8 पंजे 40 ऋण नहीं, यहां भी तो हमने धन किया है तो ऋण लिख दिया गलत हमने, 5 या 15 धन, 2 दूना 4 तो 15 4 19 हुआ, यहां भी धन होगा और 8 पंजे 40 धन, 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, 8 पंजे 40 और 9 49 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो हमारा इसका मतलब ये यही तीसरे वाले में भी अपनाना चाहिए। तो क्या करें, 6 गुणा 4 करें, फिर 6 4 करें और उसका वर्ग करें, इतना करने पर आंसर आना चाहिए। 6 चौको 24 होगा और 6 में से 4 घटा दे तो आएगा 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 24 और 4 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम चूज करें ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए होंगे, और आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन तो रोज ही अच्छे रहते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था तो उसको आप जो है देख लेंगे एक दो बार तो आ जाएगा। फिलहाल मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और अगर मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं जो मैंने सॉल्व कराए हैं और सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।